ओलंपिक कला में दिल्ली सरकार के क्लस्टर बस चालक महिलाओं के साथ कर रहे बदतमीजी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ओलंपिक कला मेट्रो बिहार की हैं, जहां पर क्लस्टर बस चालक अपनी मनमर्जी से बस चलाते हैं। सवारियां दरवाजा पीटती रहती हैं, लेकिन ड्राइवर गेट नहीं खोलता। जहां मन किया वहीं बस रोकी और जहां मन नहीं किया वहां बस नहीं रोकी, चाहे कितनी भी सवारी खड़ी हो। सवारी अक्सर मेट्रो विहार की चौकी के पास खड़ी रहती है, लेकिन बस चालक वहां पर बस नहीं रोकते, और बस रोकते हैं तो वहां पर मौजूद महिलाओं से बदजबानी व बदसलूकी करते हैं, जिसका एक वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो महिला बस का गेट बजा रही थी उसे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन बस चालक ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जबकि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बस में फ्री का रखा है, लेकिन फ्री के नाम पर ड्राइवर व कंडक्टर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं और बस जुबानी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार इन ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि इन ड्राइवरों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिल जाता है। जिस कंपनी की गाड़ी है उसे चाहे भलाई नुकसान हो जाए, दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा का भी दम भरती है, लेकिन क्लस्टर बस चालक दिल्ली सरकार के सभी नियमों को ताक पर रखकर अपनी अकड़ चलाते हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। पूजा नाम है मेरा। पूजा जी, क्या समस्या आती है जो बसों में सफर करते हैं? पहले नंबर तो बसें रोकते ही नहीं है, हाथ देते रहो कुछ भी देते रहो रोकते ही नहीं है, और रोक भी लेते तो बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या किया जाए इन लोगों का? रोकते ही नहीं है तो सरकार तनख्वाह दे ही रही है, गरीब आदमी क्या कर सकता है, हाथ देते रहो बस। तो जो महिलाएं फ्री चलती है बस में उसको लेकर भी बोलते हैं? बोलते ही है कि फ्री चल रही है और हाथ तुरंत तुरंत पे हाथ दे देती हैं बस। रोकते हैं यहाँ पर बसें? रोकते हैं हल्की फुल्की। सुकांति, क्या हुआ कल आप जा रहे थे जब अस्पताल, क्या हुआ आपके साथ? मैं जा रही थी अस्पताल जी। मेरे साथ बेटी भी थी जी। तो बैठाने गई तो बस वाले को रोका कि भैया रोक दे, मेरी मम्मी आ रही। तो मैं चार कदम पीछे थी, उसने नहीं रोकी, और एक बार रोकी और गेट नहीं खोला, फिर चला गया। फिर इसने हाथ मारा लड़की ने, तो रोकी तो उल्टा सीधा बोलने लगा। आप चल नहीं पा रहे थे, क्या दिक्कत थी? मेरे पैरों में सूजन है। अच्छा। मैं अस्पताल जा रही थी तो उसने बस वाले ने बोला कि मैं नहीं जानता कुछ नहीं, और तेरे बाप का नौकर हूँ, सीधा बोला कि तेरे बाप का नौकर हूँ जो रोकूंगा मैं।